इंसान पहले से ज्यादा उदासी और मायूसी का क्यों अनुभव कर रहा है? इन जो पिछले चंद साल हैं उनमें काफ़ी तकलीफ़ें कई भाई बहनों की ज़िंदगी में आई हैं, और बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया है, कहीं के काम चले गए, कहीं के रिश्तेदार चले गए, कहीं के माँ बाप चले गए, कहीं के भाई बहन चले गए। तो मायूसी होना तो नॉर्मल है। इंसान आजकल ज़्यादा उदास है क्योंकि उसे लगता है कि कई चीज़ें उससे छिन गई हैं जो उसकी अपनी थी। हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है। अगर आप हिस्ट्री की ओर देखो तो कोई ऐसा लंबा पीरियड नहीं जिसमें कोई ना कोई जंग ना हुआ हो। तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन हमें उन तकलीफ़ों से घबराना नहीं, हमें अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते चलते जाना है। उदासी इसलिए भी है आजकल कि चीज़ें बहुत सी इस दुनिया में हो गई हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमें मिले। जिस किस्म का एटमॉस्फेयर बना है उसमें नई 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 चीज़ें रोज़ निकलती चली आती हैं, और इंसान को लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और हर एक चीज़ वो पा नहीं सकता, तो उसके अंदर से उदासी बढ़ जाती है। पुराना समय था, चीज़ें थोड़ी होती थी, उनको पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था। आजकल के टाइम में बहुत से भाई बहन हैं जो दो दो जॉब्स करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाया करते कि लाइफ को हम सरल करें, सिंपल करें। ये हम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे बना दी है कि हम लगता है कि इन चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, और जब वो चीज़ें मिलती नहीं या हमसे छिन जाती हैं तो फिर उदासी इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। तीसरी चीज़ जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि बहुत सी बार हम सबका ध्यान दुनिया में इतना ज़्यादा लगा रहता है कि प्रभु को हम भूल जाते हैं। प्रभु को हम तभी याद करते हैं जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। अगर बच्चों का एग्ज़ाम है तब प्रभु को याद करेंगे, अगर घर में किसी के बच्चा नहीं हो रहा वो प्रभु को याद करेगा, अगर घर में कोई बच्चे उनकी शादी नहीं हो रही तो माँ बाप प्रभु को याद करेंगे, अगर बिजनेस ठीक नहीं चल रहा तो हम प्रभु को याद करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु के साथ हम बिजनेस करें, उनको याद तभी करें जब हमें उनकी ज़रूरत है, और जब चीज़ें हमारे लिए ठीक चल रही होती हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता, चीज़ों की ओर होता है। तो जब जब इंसान को ख्याल आता है कि मुझे प्रभु की नज़दीकी चाहिए तो फिर शुरू में उसके अंदर उदासी आ जाती है। वो चाहता है कि उसे पिता परमेश्वर मिलें, समझ में आ नहीं रहा कि कहाँ जाके ढूंढें उन्हें। इस करके कई बारी इंसान की ज़िंदगी में उदासी आ जाती है। तो हमें देखना है कि जिस भी माहौल में हम जी रहे हैं हम उस उदासी से दूर कैसे हों, और दूर तब होंगे जब पहले तो प्रभु की नज़दीकी मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद हमारी खूबसूरत होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान अभ्यास के दौरान सिमरन कैसे करना चाहिए? जब हम प्रभु के ज्योत के दर्शन के लिए बैठते हैं तो हमें ये समझाया गया कि हमारा शरीर शांत हो और मन शांत हो। तो शरीर शांत करने के लिए हम एक शांत जगह ढूंढते हैं ताकि सुनने की इंद्री अंदर को खिंचे, हम खाते पीते नहीं ताकि चखने की इंद्री अंदर को खिंची हो, हम देखते हैं हमारे शरीर का हिस्सा किसी और का ना लगे ताकि जो स्पर्श की इंद्री अंदर को खिंचे, हम एटमॉस्फेयर को बदलते नहीं ताकि सूंघने की इंद्री अंदर को खिंचे, फिर हम आँखें बंद करते हैं ताकि देखने की इंद्री अंदर को खिंचे। तो हमें समझाया जाता है कि हमारी जो ये आँखों के डिजाइन सीधे सामने होने चाहिए देखने के लिए,
जैसे हम अपने सामने 8-10-12 इंच सामने फोकस कर रहे हैं। तो जब हम आंखें बंद करते हैं हमारे आईबॉल सीधे रहें, इसलिए समझाया जाता है कि अगर इनको हम ऊपर उठाएंगे, बहुत से लोग सोते हैं शिव नेत्र दसवां द्वार यहाँ दो आँखों के बीच में है, तो वो आँखों के ढेलों को ऊपर उठाते हैं तो माथे पे जोर पड़ेगा, सिर दर्द होगा। तो ये आँखों को सीधा रखने एक फिजिकल एक्टिविटी है, हम प्रैक्टिस करके भी आँखों को सीधा रख सकते हैं। अगर आप जहाँ बैठे हैं उसी हाइट पर अगर मुंह अपना दीवार की ओर करें, वहाँ पर एक काला सा डॉट लगाएं, उसको 1-2 मिनट देखें, आँखें बंद करें, तो आपकी आँखों को सीधा रहने की आदत पड़ जाएगी। अगर 1-2 महीने ऐसे करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। जो आई बॉल इनको सीधा रखना है एक फिजिकल एक्टिविटी है जो हम करते हैं ताकि जो इंद्रियां हैं, जो देखने की इंद्रियां भी अंदर की ओर जाए। जो सिमरन करना है वो मन ही मन करना है, वो एक मेंटल एक्टिविटी है, मन को शांत करने के लिए। तो ये दोनों एक्टिविटी अलग अलग हैं, ये नहीं कि दो फिजिकल चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं या दो मेंटल चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, इनको इकट्ठा नहीं कर सकते। एक है जिसके ज़रिए हम बाहर की जो सीन्स हैं इनसे अपने आप को अलग कर रहे हैं आंखें बंद करके। दूसरी है कि मन जो हमें विचार भेजता है, हम मन ही मन प्रभु की ओर बढ़ रहे हैं प्रभु के नाम का जाप करके। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो सकती हैं, तभी जब शरीर शांत होगा और मन भी शांत होगा तभी रूह अंदर की दुनिया के नज़ारे देखने के लायक होगी। तो शरीर को शांत करना और मन को शांत करने बहुत ज़रूरी हैं, और ये इकट्ठे हो सकते हैं ताकि हम अभ्यास कर पाएँ और अपनी रूह को यहाँ 10वें द्वार पर इकार करके अपने सद्गुरु की मदद के साथ अंदर की दुनिया में कदम उठा पाए। कई बार हमें काम के स्थान पर अपने साथ के लोगों से सख्त व सीधे शब्दों में बोलना पड़ता है, क्या ये उचित है? जब हम कहीं काम करते हैं, चाहे ऑफिस में हों या बिजनेस में हों, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास होती है, तो काम कराने के लिए कई बार ये लगता है कि शायद किसी को ज़ोर से बोलना ज़रूरी है। तो अगर आप अपने ऑफिस में या जिस भी काम में आप लगे हुए हैं, जो आपके साथ काम करते हैं या आपके लिए काम करते हैं, उनसे अपना वर्ताव प्यार वाला रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका काम जल्दी से होगा और आसानी से होगा। बड़ी बार जब समय कम होता है तब भी इंसान कोई ना कोई चीज़ जब जल्दी में करता है तो वो ऐसे लगता है कि तेज़ी में हो गई या गुस्से में हो गई, लेकिन उसका फल कभी अच्छा होता नहीं है। तो अगर हम प्रेम से जिस भी इन्वायरमेंट में होंगे काम करने की कोशिश करेंगे और औरों को भी प्रेम से काम करवाने के लिए कहेंगे, तो हम देखेंगे कि लॉन्ग रन में, ज़्यादा टाइम में, हमारा काम बेहतर होगा, अच्छा होगा, और जो आउटपुट आएगी वो भी हमारे लिए बेहतर होगी। तो मेरे ख्याल से तो हर एक एनवायरनमेंट में हो, कोई भी हो, जिसमें भी कोई किसी से काम करता हो, जो कि हर एक चीज़ में होता है, तो जब प्यार से किसी से बातचीत आप करोगे तब देखोगे कि जो आप करना चाह रहे हो वो आराम से होगा, जल्दी होगा, और आपका जो ध्यान है वो सही जगह लगेगा। क्योंकि जब भी हलचल होती है और गुस्सा होता है तो वो फिर तकलीफ़ दोनों तरफ होती है, और उससे कोई चीज़ ना जल्दी होती है और ना ही अच्छी होती है। बच्चों को सेवा यानी सेल्फलेस सर्विस करने के लिए कैसे प्रेरित करें? छोटे बच्चे बहुत कुछ अपने माँ बाप को देखकर पाते हैं। हम लोग समझते हैं शायद जब हम उन्हें कुछ समझाते हैं या स्कूल में वो सीखते हैं कुछ तभी वो सीख रहे हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं बड़े परसेप्टिव होते हैं,
हम घर में कैसे आपस में बातचीत करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, क्या माहौल है घर का, किस किस्म से हम जीते हैं, उसका बहुत गहरा असर बच्चों पर पड़ता है। तो अगर हमने अपने बच्चों को किसी सेवा के लिए प्रेरित करना है तो हमें भी सेवा में हिस्सा लेना चाहिए। जब हम खुद सेवा करते हैं तो आस्ते आस्ते बच्चों को मालूम होता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं ये सेवा के लिए जाते हैं। जहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जाकर पेरेंट्स क्या करते हैं देख सकते हैं, ताकि आस्ते 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 बच्चे भी सीख सकते हैं। तो जब हमारा अपना नज़रिया ऐसा होगा कि हम सेवा भाव से जिएं, जब हमारा ध्यान ऐसा होगा ताकि हम सेवा कर सकें, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे बच्चों में भी वो वाली आदतें आनी शुरू हो जाएंगी। तो बच्चों को सिखाने का सबसे बेहतर तरीका है कि इंसान अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाए जैसे कि वो बच्चों की चाहता है। और जब हम अपनी ज़िंदगी में सेवा और भजन अभ्यास करने को महत्व देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, तो फिर हम देखेंगे कि हमारे बच्चों में भी वो वाली आदतें पड़ेंगी और वो भी फिर अभ्यास करने की कोशिश करेंगे और सेवा भाव से अपनी ज़िंदगी गुजारनी शुरू करेंगे। वर्तमान क्षण में जीने का क्या अर्थ है? वर्तमान क्षण, लिविंग इन द करंट मोमेंट, उसका अर्थ या मतलब ये है कि हम हर एक क्षण को सही तरीके से इस्तेमाल करें। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, चलता रहता है। घड़ी को भी देखो तो टिक 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 करके चल रही है, वो समय गुजर रहा है। अगर उस समय का हमने फायदा नहीं उठाया तो वो क्षण पास में चला जाता है कि गुजर गया, उसको हम वापस बुला नहीं सकते। तो वहाँ पर समझाते हैं कि जो क्षण चला गया अगर उसका हम फिक्र करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, वो तो निकल गया, वापस आ ही नहीं सकता। जो क्षण आना है उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्लान कब करेंगे? इसी क्षण में। अगर इस क्षण में भी नहीं प्लान किया तो ये भी गुजर गया। तो इस क्षण का हमने पूरा फायदा उठाना, तो कैसे उठाएंगे? कि इस क्षण को हम उस ओर लगाएं जिससे हमें प्रभु की नज़दीकी मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो भी हम कर रहे हैं, जो हमें प्रभु की नज़दीकी दिलवाता है, वो अच्छा है, और जो कुछ हमारी ज़िंदगी में प्रभु से हमें दूर लेके जाता है वो ख़राब है। तो हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। हमें जो ये क्षण है जो हमारे सामने है, इसको उस तरीके से गुजारना है ताकि ज़िंदगी का जो मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो पूरा हो जाए। तो इस क्षण में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस क्षण में हम सत्संग में जा सकते हैं। जो सत्संग में जाएंगे वहाँ सच्चाई सुनने को मिलेगी, महापुरुषों के वचन सुनेंगे, तो हमारे अंदर प्रभु को पाने की इच्छा जागृत होगी। वो समझाएंगे कि हम भजन अभ्यास करें, तो इस क्षण में हम सिमरन कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, भजन अभ्यास कर सकते हैं, अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। बार बार महापुरुष भी समझा गए हैं कि जो सेवा का फल है वो बहुत मीठा होता है। तो इस क्षण में जब हम सेवा करते हैं, जब किसी के मददगार होते हैं, इस करके नहीं कि वो हमारी मदद करेंगे जब हमें मदद चाहिए, लेकिन इस करके कि हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही आए, जो कोई तकलीफ़ है वो दूर हो उनकी। तो किसी की मदद करना निष्काम सेवा भाव से, वो क्षण का सही फ़ायदा उठाना है। तो इस क्षण में जीने का मतलब है कि वो कार्य किए जाएं जो हमें प्रभु की नज़दीकी देंगे। जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने मकसद को बड़ी आसानी से पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा।
अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, ये जो आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊँचा नहीं दौड़ाना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और जो जो आपके लिए बेहतर है वही प्रभु आपकी ज़िंदगी में ढालते चले जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत गोपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले, हम प्रभु की नज़दीकी पाएँ और उनकी ज्योत से जुड़ते हुए अंदर के मंडलों में उड़ान कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।